अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आदिल, तुसी देख रहे हो मेरा चैनल फ्लाइंग फैल्कन। दोस्तों एक दफ़ा का जिक्र आ, एक हकीम सीगा जिहड़ा जड़ी बूटियां की तलाश जंगल में जाता हुंदा सी। वो कितने जंगल में गया, सुबह गया, सारा दिन बूटियां लभदा रहा, ना लभिया। रात के टाइम कितने मगरब के टाइम उन्हें कोई जड़ी बूटियां लभ नहीं आ, वो जड़ी बूटियां तोड़ के रात उन्होंने दवाई बना रहा जंगल में बैठ के। रात के पिछले पैर उन्हें सोचा हम घर वापसी जाया जाए। जो वापसी भी निकलिया वो थक चुका सी बहुत ज़्यादा। वो थक के रास्ते के नज़दीक पहुंचा, उत्थे एक वड्डा सारा पत्थर देखा। उन्हें सोचा क्यों ना इधर पर थोड़ा जा आराम कर ला, फिर अगे सफर जारी कर दा। उस हकीम ने उस पत्थर के उपर अपना सिर रखा और सो गया। वो सो गया और उतों की एक बादशाह का काफिला गुजर रहा सी सुबह सवेरे। बादशाह का काफिला जो गुजर रहा सी, बादशाह बड़ा सख्त गुस्सा आया कि मेरा काफिला गुजर रहा और यह बंदा मजे नाल सुत्ता पिया, इन्हें मैंने सलाम नहीं किया, उठ के सानू सलामी नहीं पड़ी। खैर जी, बादशाह ने अपने कुछ सिपाही भेजे कि इन्हू उठा के लियाओ। वो गए जाके हकीम को उठाने की कोशिश की। हकीम गहरी नींद सुत्ता सी, कोई ना उठा। बादशाह को आके उन्होंने कहा कि वह हकीम तो नहीं उठ रहा। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बादशाह खुद गया जाके उसके सीने च लत मारी जोर दी। एक वो बंदा हुण उठ गया डर नाल। जो हकीम डर नाल उठ गया, उन्हें इधर उधर देखा, उन्हें क्या की बुलावा, एडा सारा काफिला, यह कौन आ, लगता तो कोई बादशाह। बादशाह ने उन्हें कहा अहंकार उठ उपर, तेन पता नहीं मैं बादशाह, इस मुल्क का मैं बादशाह हाँ और मैं इतों की गुजरता पाया और तू एडे मजे नाल सुता होया, तेरी यह हिम्मत कि उठ के तू सानू सलामी नहीं भरी, सलाम नहीं किया सानू। वो बंदा बादशाह के मुँह वाल देख के कहता कि तू इंसान आ। बादशाह बड़ा सख्त गुस्सा आया। बादशाह कहता जाहिला तेरी हिम्मत किदा हुई मैनू यह कहन की, डेफिनेटली मैं इतने का बादशाह वा, आ पूरी बादशाही ते मेरा कब्जा वा। हकीम बादशाह कहता कि अगर तू इंसान आ, तेरा इस बादशाही ते कब्जा वा, तेरा ये मकसद तो नहीं कि तू गाह जाते बंद लत्त मारे, तू बादशाह होऊंगा, तेरे सिर ते एडा ताज आ, हीरे लगे हुए आदि उपर एडे कीमती, लेकिन यदा यह मकसद तो नहीं कि तू राह जाते बंद लत्त मारे और बंद जलील करे। बादशाह होर गुस्से हो गया। फिर हकीम ने बादशाह समझाया। हकीम कहता कि तू बादशाह हैगा, मैं मान लिया तू इस किले का बादशाह वा, तेरे को कब्जा वा बादशाही का, लेकिन तू थोड़ी देर लिए सोच, तेरे सिर ते आ जिहड़ा ताज आ यह सब कुछ आ ना, अगर ये ताज तेरे को खो लिया जाए, कोई होर बादशाही आन के कब्जा करके ताज खो लेंदी आ तेरे को कोई भी बादशाही नहीं रहती, तू बादशाह नहीं रहता, फिर तेरे को फिर तेरे कोई चीज़ है। हुण बादशाह थोड़ा सोचता अंदर ही अंदर। बादशाह उन्हें कहता कि मेरे कोई होर चीज़ नहीं, लेकिन किसी की इन्नी हिम्मत नहीं कि मेरे ते आके कब्जा कर ले, कोई काबज हो जाए मेरे किले ते। वो बंदा कहता कि यह तेरी सोच आ, इदा हो सकता वा, बड़ी सारी तारीख आ, बड़े लोगों नाल इदा होया, बड़ी तारीख है इस चीज़ की, और यह कोई वड्डी गल नहीं, तू जिड्डा वड्डा मर्जी बादशाह होगा, लेकिन अगर कोई तेरे को तेरा ताज खोले, तू सोच तेरे अंदर कुछ हैगा, तेरे च कोई ऐसी काबिलियत हैगी आ, ऐस ताज तो इलावा तेरे कोई काबिलियत नहीं, तू कोरा कागज आ, तू किसे काम का नहीं, ये तू ये गरूर जरा वा इनू संभाल के रख, ये गरूर किसे काम का नहीं गा, आज दी नाल चल, लोगों का ख्याल रख, जेडे राह ते लोग आ, जेडे तेरे बादशाही च लोग आ, अगर तू मेरे नाल आण के सलूक किया, मेरे लत्त कढ मारी हो ते लोगों नाल की करदा होऊंगा, जेडे तेरी बादशाही विच लोग होणगे। बादशाह सलामत नूं उहदी गल समझ आ गई। बादशाह सलामत माजरत करके अपने सफर ते चला गया। बिल्कुल असीं इंसान भी इस तरह करदे आ, सानूं जो कोई थोड़ी जी पोजिशन मिल जाती आ, सानूं कोई थोड़ा जिहा उच्चा रुतबा मिल जाता, असीं अपनी इंसानियत भुल जांदे आ, असीं अपनी औकात भुल जांदे आ, सानूं इह पता नहीं रहिंदा कि असीं किहड़े बंदे नाल किदां डील करना। तुसीं मोस्टली देखिया होना बंदे कहिंदे मेरा ब्लड प्रेशर हाई आ जी, सॉरी मैं तैनूं गालां कढ दित्तियां, या मेरा बीपी हाई हो गया, मैं फलाने बंदे नाल लड़ पिया, मेरी शुगर हाई हो गई, मैं फलाने बंदे नाल बदतमीजी कर बैठा। मैनूं एक चीज़ का जवाब कोई बंदा भी कमेंट्स ते जरूर दईओ कि कदी किसे बंदे दी शुगर वड्डे बंदे नाल हाई हुंदी, कभी किसी बंदे का ब्लड प्रेशर किसी अपने तो उच्चे बंदे नाल हाई हुंदा कभी भी नहीं हुंदा, क्योंकि उन्होंने पता हुंदा अगर अपने तो उच्चे बंदे नाल ब्लड प्रेशर हाई किया तो उन्होंने लोग कर लेना, लेकिन जिहड़ा गरीब आ, जिहड़ा मस्कीन आ, जिहड़ा तुहानू जवाब नहीं दे सकता, जिहड़ा तुहाडे नाल लड़ नहीं सकता, उहदे ते तुहाडा बीपी भी हाई जल्दी हुंदा, उहदे ते तुहाडी शुगर भी हाई जल्दी हुंदी।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੜਾ ਹੋਏ, ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜੋ ਆਪ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।